की ध्वनि लता मंगेशकर जी की छवि भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में विख्यात है और उनकी उपलब्धियों से उनका कार्यकाल भरा पड़ा है। लता मंगेशकर जी के आवाज के भारतीय उप महाद्वीपों के साथ पूरी दुनिया में दीवाने भरे पड़े हैं। यह बात जगत विख्यात कि उनके जैसी जुदाई आवाज की गायिका आज तक इस धरती पर ना कोई हुई है ना ही कोई होगी। लता मंगेशकर जी का जन्म और उनकी परवरिश। लता मंगेशकर जी का जन्म कुमारी लता मंगेशकर मंगेशकर जी के नाम से है। उनका जन्म 26 सितंबर 1928 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये 5 भाई और बहन हैं, जिसमें सबसे बड़ी लता मंगेशकर जी हैं। इन्हें इनकी 3 बहनें हैं, आशा, उषा, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर है, जो रंगमंच के कुशल गायक थे। लता मंगेशकर जी का के पिताजी उन्हें 5 साल की उम्र से ही संगीत की शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उनके ही साथ उनके 3 बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत की शिक्षा ग्रहण करती थी। लता मंगेशकर जी की माँ का नाम शेवांती मंगेशकर था, जो एक गृहिणी थी। लता जी का बचपन से ही संगीत में अधिक रुचि थी। लता मंगेशकर जी ने अमानत अली खान साहब बाद में अमानत खान के साथ पढ़ाई करी और उन्होंने संगीत के ही अपने आजीविका को रूप में चुना। लता मंगेशकर जी का जन्म भले ही इंदौर में हुआ था, लेकिन इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। लता मंगेशकर जी का बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। लता जी बचपन से ही कुंदन लाल सहगल से शादी भी करना चाहती थी, परंतु परिस्थितियों के जीवन में उन्हें जीवन में अकेले ही रहना पड़ा। पर उपलब्धियां जितना उनके पास हैं, शायद ही किसी और के पास होंगी। पहली बात, लता जी ने बसंत जगदेकर द्वारा निर्देशित फिल्म कृति हसन के लिए गाना गाया था। हालांकि उनके पिताजी को लता जी का यह फिल्मों में गाना गाना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने फिल्म में उनका गाना रिलीज होने से ही रोक दिया था। लता जी के गानों को बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक बहुत पसंद से सुना करते हैं। लता जी ने अपने आप को पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर दिया था। लता मंगेशकर जी का पुरस्कार, अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर जी को अंगीरक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही उनके नाम से लता मंगेशकर पुरस्कार को मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर साल दिया जाता है। जो प्रसिद्ध गायिका होते हैं उन्हें यह प्रदान किया जाता है, जो कि गायक गायिका के अलावा संगीतकारों को दिया जाता है महाराष्ट्र शासन ने। लता मंगेशकर पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी है, जो कि संगीत के क्षेत्र में काम करने वालों को अब दिया जाने लगा है। लता मंगेशकर जी का प्राप्त पुरस्कारों में पद्म भूषण पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, महाराष्ट्र की भूषण राष्ट्र पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें मेरे पुरस्कार यही खत्म नहीं होते, इन्हें राजीव गांधी अवार्ड, NTR पुरस्कार, जी सिने सिनेमा के लाइफ टाइम अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। मंगेशकर जी के जैसे महान विभूतियां धरती पर बहुत कम ही जन्म लेती हैं। उन्हें आवाज को बच्चों से लेकर बड़े भी सब पसंद करते हैं। उसी मेहनत और लगन के ही चलते आज उनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने देशभक्ति गीत कर सबको रुलाया भी है और वह गीत था ए मेरे वतन के लोगों। इस गाने को सुनकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आंखें भी भर आई थी। ऐसा लगता है लता जी का भावपूर्ण और स्मरणशील परिचय। आप सभी को धन्यवाद।